नमस्कार दोस्तों, गीगल स्टोरी सेक्शन पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस स्टोरी को गीगल यानी कि ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाया गया है और शेरलॉक होम सीरीज की एक नई स्टोरी लेकर के हम आपके बीच में हाजिर हैं। स्टोरी का टाइटल है द एडवेंचर ऑफ द गोल्डन पिंस नेज, यानी कि सुनहरे नाक पकड़ चश्मे का रहस्य, जिसे लिखा है ऑर्थर कॉनन डॉयल ने। इस स्टोरी में आवाजें दी हैं गिगलर अमित वाधवा एंड गिगलर रूबी पारिक ने। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं ये एक इंटरेस्टिंग केस, यानी कि आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी। जब भी मैं उन तीन हाथ से लिखी हुई बड़ी किताबों को देखता हूं जिसमें हमारे 1894 के साल भर के काम लिखे हैं, तो मेरे लिए इन कीमती खजाने में से उस केस को चुनना मुश्किल होगा जो दिलचस्प हो और साथ ही जिसमें मेरे दोस्त का वो खास अंदाज भी शामिल हो जिसके लिए वो मशहूर है। जैसे ही मैंने उन पन्नों को पलटा, उनमें रेडलिच की बेकार कहानी और क्रॉसबी जो एक बैंकर था उसकी भयानक मौत की कहानी के बारे में लिखे मेरे ही नोट्स देखने को मिले। मुझे इसमें एडल्टन ट्रेजेडी और इकलौती एक प्राचीन ब्रिटिश बैरो का लेखा जोखा भी देखने को मिला। इन्हीं में मशहूर स्मिथ मोर्टिमर उत्तराधिकार मामला भी आता है। वो बुलेवार्ड हत्यारा ह्यूरेट को ढूंढने और उसे गिरफ्तार करने का मामला, जिसके एवज में होम्स को फ्रांस के राष्ट्रपति से उनका ऑटोग्राफ किया हुआ थैंक यू लेटर मिला था और साथ ही उसे ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर का सम्मान मिला था। ये सभी मामले कुछ न कुछ कहानियां कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी मामला नहीं जिसमें एक साथ कई मजेदार पॉइंट शामिल हैं। जैसा योकली ओल्ड प्लेस के मामले में नौजवान विल्बी स्मिथ की अफसोसजनक मौत और उसके बाद की घटनाओं में है। ये नवंबर के करीब एक तूफानी और भयानक रात थी। होम्स और मैं पूरी शाम एक साथ चुपचाप बैठे थे। वो एक पावरफुल लेंस के साथ बाकी बचे ओरिजिनल लेख को सही कर रहा था और मैं लेखों में लगा हुआ था। बाहर बेकर स्ट्रीट में बड़े जोरों शोरों से तेज हवा चल रही थी। बारिश के थपेड़ों से खिड़कियां भी जमकर पिट रही थी। अजीब बात है कि शहर की इस गहराई में जहां 10 मील की दूरी तक इंसान की कारीगरी हमें घेरे हुए है, यहां कुदरत की मजबूत पकड़ को यूं महसूस करना और यह एहसास होना कि कुदरत की इस ताकत के सामने सारा लंदन ही किसी खेत में फैले मिट्टी के बने छछुंदरों के घरौंदे से ज्यादा कुछ नहीं। मैं खिड़की के नजदीक गया और बाहर सुनसान सड़क पर अपनी नजर दौड़ाई। कहीं कहीं लैंप के उजाले में कीचड़ से सने रोड और चमचमाते फुटपाथ रोशन हो रहे थे। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के आखिरी छोर से इकलौती एक कैब पानी से भरे रास्ते से चली आ रही थी। वाटसन, हमें आज रात को भी बाहर नहीं निकलना है, होम्स ने अपने लेंस को एक तरफ रखकर और पलम सेट को रोल करते हुए कहा। एक सेटिंग के लिए बहुत काम हो गया, यह आंखों को थका देने वाला काम है। अब तक मैं यही समझ सका हूं कि 15वीं सदी के आखिरी सालों की तारीख केबी के अकाउंट से ज्यादा दिलचस्प नहीं है। हेलो हेलो, ये क्या है? बहती हवा के शोर के बीच घोड़े की टाप और पक्की सड़क पर पहियों के खिसने की आवाज आ रही थी। मैंने जो कैब देखी थी वो हमारे ही दरवाजे पर आकर रुक गई थी। जैसे ही एक आदमी उसमें से निकला, मेरे मुंह से फौरन निकला, वो क्या चाहता है? क्या चाहता है? वो हमें चाहता है और हम मेरे दोस्त वॉटसन ओवरकोट गलबंद और जूतों को बरसात से बचाना चाहते हैं और हर वो सामान जो इंसान ने मौसम से लड़ने के लिए बनाया है। वैसे थोड़ा इंतजार करो, कैब वहां है, अब भी उम्मीद बाकी है। अगर वो चाहता है कि हम उसके पास जाएं तो वो जरूर रुकेगा। दौड़ो मेरे प्यारे दोस्त, दरवाजा खोलो, अब तक तो सभी भले लोग सो चुके हैं। जब हॉल के लैंप का उजाला आधी रात को आए मेहमान के ऊपर पड़ा तो मुझे उन्हें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये होनहार यंग डिटेक्टिव स्टेनली हॉपकिंस थे, जिनके करियर में होम्स ने कई बार अपना इंटरेस्ट दिखाया था। क्या वो अंदर हैं? हॉपकिंस ने बड़ी बेसब्री से पूछा। माय डियर सर, ऊपर आ जाओ, उम्मीद करता हूं कि ऐसी रात में तुम्हारे पास हमारे लिए कोई प्लान नहीं है। डिटेक्टिव सीढ़ियों पर चढ़े। हमारा लैंप उनके चमकते वाटरप्रूफ कोट पर उजाला कर रहा था। मैंने सीढ़ियां चढ़ने में उनकी मदद की जबकि होम्स ने आग में लकड़ी को ठीक किया। मेरे दोस्त हॉपकिंस, आग के पास आओ और अपने पैरों को गर्म करो, यहाँ एक सिगार है और डॉक्टर के पास गर्म पानी और नींबू का नस्का है जो ऐसी रात के लिए एक अच्छी दवा है। तुम इतनी तूफानी रात में यहाँ आए हो, लगता है कोई बहुत ही जरूरी बात है। वाकई में मिस्टर होम्स, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही हलचल वाला था। क्या आपने योकली मामले में लेटेस्ट एडिशन में कुछ देखा है? मैंने 15वीं सदी के बाद से अब तक कुछ भी नहीं देखा है। वेल, वो तो सिर्फ एक पैराग्राफ था, सब गलत था, इसलिए आपने कुछ भी मिस नहीं किया है। मैं रुका नहीं हूं। चैथम से 7 मील और रेलवे लाइन से 3 मील की दूरी पर ये कैंट में है। मुझे 3:15 बजे को तार मिला।
5 बजे यॉकली ओल्ड प्लेस पहुंचा। मैंने जांच पड़ताल की, आखिरी ट्रेन से चैरिंग क्रॉस वापस गया और कैब से सीधे आपके पास ही पहुंचा। इसका मतलब तुम अपने केस में क्लियर नहीं हो। इसका मतलब यह है कि मैं ना तो इसका सिर समझ सका हूं और ना ही पैर। ये काम आज भी वैसे ही बहुत उलझा हुआ है जैसे कि जब मैंने शुरू में इसको संभालना शुरू किया था। पहले तो इतना सिंपल लग रहा था कि लगता था कोई भी इसमें गलती नहीं कर सकता। मिस्टर होम्स, इस केस के पीछे कोई मकसद ही नहीं है और यही मुझे परेशान करता है कि मुझे कोई मकसद समझ ही नहीं आ रहा। यहां एक आदमी मर गया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूं कोई कारण कोई मकसद दिखता ही नहीं कि इस दुनिया में कोई भी उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता था। होम्स ने अपना सिगार जलाया और कुर्सी पर बैठ गया। चलो हम इसके बारे में सुनते हैं, स्टेनली हॉपकिंस ने कहा। मैंने अपनी तरफ से फैक्ट्स जुटा लिए हैं, मैं बस अब इन्हें समझना चाहता हूं। जहां तक मुझे यह कहानी समझ आई है वो बताता हूं। कुछ साल पहले इस कंट्री हाउस यॉकली ओल्ड प्लेस को एक बुजुर्ग शख्स ने खरीदा जिनका नाम प्रोफेसर कॉरम है। वे बीमार हैं और अपने बिस्तर में आधा वक्त बिताते हैं और बाकी का आधा वक्त घर में लड़खड़ाते हुए एक छड़ी के सहारे घूमते हैं या फिर माली उन्हें बाथ चेयर में बैठाकर धकेलता है। उन्हें उनके कुछ पड़ोसी पसंद करते हैं जो उनसे कभी कभी बात करते हैं। वे एक बहुत ही विद्वान शख्स के तौर पर जाने जाते हैं। उनके घर में एक बुजुर्ग हाउसकीपर मिसेज मार्कर और एक नौकरानी सुजैन टेल्टन शामिल है। ये दोनों उनके साथ तब से हैं जब से प्रोफेसर यहां आए थे और ये दोनों लेडीज बहुत अच्छी कैरेक्टर की लगती हैं। प्रोफेसर एक बुक लिख रहे हैं और एक साल पहले उन्होंने एक सेक्रेटरी रखने का सोचा, लेकिन इसमें उनकी पहली दो कोशिशें नाकाम रही और तीसरी बार में मिस्टर विल्बी स्मिथ, जो सीधे यूनिवर्सिटी से निकला एक नौजवान था, वो ठीक वैसे ही निकला जैसा प्रोफेसर को अपनी सेक्रेटरी के रूप में चाहिए था। उसके काम में सुबह सुबह प्रोफेसर के डिक्टेशन के लिए लिखने का काम शामिल था और शाम को अगले दिन की काम की तैयारी करना था। विल्बी स्मिथ में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो उसके खिलाफ जाती है, न अपेंगम के लड़के के तौर पर और ना ही कैम्ब्रिज के एक यंग शख्स के तौर पर। मैंने उसके प्रशंसा पत्रों को पढ़ा है और पहले से ही वो एक सज्जन, शांत और मेहनती शख्स था जिसमें कोई खराबी नहीं। आज सुबह ही प्रोफेसर की स्टडी रूम में इस शख्स की मौत हो गई, जिसे देखकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये मर्डर ही है। हवा के झोंके तेजी से खिड़कियों पर चोट कर रहे थे। होम्स और मैं आग के और भी करीब बैठे, जबकि यंग इंस्पेक्टर धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट अपनी कहानी आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने आगे कहा, अगर आप पूरे इंग्लैंड में भी ढूंढो तो भी मुझे नहीं लगता कि आपको इनके जैसा घर कोई और मिले।